एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और लखनऊ में आयुष विभाग के तहत नौकरी पाने वाले जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। देखिए, यही तो हमारी ऋषि परंपरा कहती है, नास्ति मूलो अनौषधय, यानी कोई भी मूल ऐसा नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। इसके पीछे का उद्देश्य ही यही है। वह तुलसी है, आज हल्दी के महत्व को दुनिया समझ रही है, आज अदरक के महत्व को दुनिया समझ रही है कि ये तो भारत तो हजारों वर्षों से इनका उपयोग करता रहा है। हमने इनके औषधीय महत्व को बहुत पहले ही समझ लिया था। क्या इन कार्यों के बारे में कभी आपने एक आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में जानने का प्रयास किया? इस पे अच्छा काम कर सकती हैं आप बुंदेलखंड में रह करके अपने सरकारी डॉक्टर। देखिए, सरकारी नौकरी का मतलब एक औपचारिकता नहीं है। आप सरकारी ड्यूटी करने के बाद जो समय बचता है, इस समय का उपयोग कर सकती हैं और इस समय का उपयोग करके आयुर्वेद की बहुत बड़ी सेवा कर सकती हैं। आप बहुत बड़ी सेवा कर सकती हैं, करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार के सदस्यों को। आयुष विभाग के नौ चयनित आयुर्वेद और होम्योपैथी विभाग के चिकित्सा अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण, आयुष टेलीमेडिसिन की योजना के शुभारंभ तथा प्रदेश के अंदर 142 योग वेलनेस सेंटर के शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमान प्रशांत त्रिवेदी जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, आयुष मिशन से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जनपदों में उपस्थित हमारे मेरे सहयोगी मंत्रीगण, मान्य सांसद, मान्य विधायकगण, हमारे प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और नवनियुक्त सभी हमारे आयुष विभाग के नवनियुक्त चिकित्सकगण, मैं सबसे पहले आज एक साथ लगभग 1100 चिकित्सकों के चयन की इस प्रक्रिया को पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अपने अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आयुष विभाग को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि इन्हें एक साथ 1100 चिकित्सक मिले हैं और उन्होंने जिस तत्परता के साथ नियुक्ति पत्र वितरण के साथ इनको नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। यह प्रदेश के आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने वाले हमारे इन युवाओं के लिए एक अवसर के रूप में है। मैं इसलिए विभाग को धन्यवाद देते हुए सभी नौ चयनित चिकित्सकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। वास्तव में आयुष मिशन भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। कोरोना कालखंड ने तो हम लोगों को भारत की परंपरागत चिकित्सा विधा के बारे में सोचने के लिए मजबूर भी किया है। आप देखते होंगे, आप सभी के घर में कोई मेहमान आता होगा
या कोई आपका निकट का शुभचिंतक या मित्र आता होगा। आज से एक वर्ष पहले ये स्थिति थी कि कोई आता था, अगर आपने चाय के लिए नहीं पूछा तो नाराज होता था। आपने उसे अच्छे पकवान नहीं खिलाए तो उसमें नाराजगी देखने को मिलती थी। अगर आपने उससे पहले कभी काढ़ा के बारे में किसी परिवार ने चर्चा भी कर दी तो लोगों को ही माना जाता था कि ये व्यक्ति की सोच बहुत पुरानी सोच है। लेकिन आज कोरोना ने हम सबको जब बचाव का एक मौका दिया तो आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी स्थान पे चले जाइए, वह किसी का अपना घर हो, किसी का कार्यालय हो, किसी का कोई संस्थान हो, किसी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, किसी विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय में चले जाइए, वहां पे मैं हर एक स्तर पर एक ग्राम पंचायत की बैठक से लेकर के और नीति आयोग की बैठक तक हर एक स्थल पर अगर आज के दिन पे सबसे अधिक मांग हो रही है तो आयुर्वेद के काढ़ा की मांग होती है। ऐसा हमें चाय नहीं, कॉफी नहीं, दूध नहीं और भी नहीं, हमें चाहिए काढ़ा, यानी काढ़ा की मांग। और एक काढ़ा आयुर्वेद की पद्धति में आज से नहीं हजारों वर्षों से इसका उपयोग किया जाता रहा है। ऋतु परिवर्तन के साथ इसका सेवन करने की प्रेरणा प्राचीन काल से, और इसमें खासतौर पर तुलसी का काढ़ा तो एक सामान्य घर घर में पिया जाने वाला एक आयुर्वेद का एक पेय है। तुलसी ताजी मिले ठीक, सूख जाती है, उसके पत्तों को सुरक्षित लोग रखते हैं और उसका फिर उपयोग करते हुए उसके काढ़े का सेवन करते हैं। यानी आयुष के प्रति, चाहे वह आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सिद्धा हो, यानी इन सब के बारे में भले ही हमने डिग्री न ली हो, भले ही हमारे पास उसकी विशेषज्ञता न हो, लेकिन खासतौर पर आयुर्वेद के बारे में, सिद्धा के बारे में तो प्राचीन काल से ही घर घर में दादी के नुस्खे के नाम पर हम इसका उपयोग करते रहे हैं और ये आज भी हर परिवार किसी न किसी रूप में इनका उपयोग करता है। हमारे यहां हल्दी का उपयोग, कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने घर में भोजन में हल्दी का उपयोग या अदरक का उपयोग या हींग का उपयोग न करता हो। भाई हींग गर्मियों में नहीं सेवन करते, सर्दी प्रारंभ होने के साथ हींग का उपयोग करते हैं। छोटी सी हींग में कोई स्वाद नहीं, लेकिन उसकी औषधीय गुण के कारण भारत प्राचीन काल से उसका उपयोग करता रहा। हल्दी में कोई स्वाद नहीं, वो तीक्ष्ण है, लेकिन औषधीय गुण के नाते हम लोग हर सब्जी में इसका उपयोग करते रहे। अदरक में कोई स्वाद नहीं, लेकिन अदरक का उपयोग हर भारतीय परिवार प्राचीन काल से करता रहा है। और जब हम करते थे, हमारे पूर्वज इसका सेवन करते थे, दुनिया हमें पिछड़ा मानती थी, और आज जब दुनिया की जान में आफत पड़ी तो वह भी आप चले जाइए, दुनिया में इस समय सबसे अधिक मांग हो रही है हल्दी की, अदरक की, तुलसी की, और भारत के इस काढ़े की सबसे अधिक मांग हो रही है, जिसको हर भारतीय परिवार प्राचीन काल से चाय के आने के पहले से जिसका इस्तेमाल करता रहा है। हम अपने आयुर्वेद और इस आयुष मिशन की कीमत को समझें, और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद आयुष मिशन को एक अभियान के रूप में लिया और आयुष मंत्रालय का ही गठन करते हुए इस विधा के प्रोत्साहन के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने पूरे देश के अंदर प्रारंभ किए और देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी दिल्ली के अंदर बनाया। कितना बड़ा कार्य, कितना बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। मुझे आश्चर्य होता है, पिछले दिनों कुछ चिकित्सकों ने विरोध किया था कि आयुर्वेद के लोग ऑपरेशन करने की छूट क्यों दी जा रही है।
मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आ रही थी। पहला, इस धरती का सर्जन आयुर्वेद का ही था, आयुर्वेद ने ही यह सर्जरी की विधा को दिया है, उन्हें यह बताया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि आयुष के साथ, मिशन के साथ जुड़े हुए, चाहे वह आयुर्वेद के हों, यूनानी के हों, सिद्धा के हों, होम्योपैथ के हों, ये परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति रही है, इससे जुड़े हुए लोगों ने विगत कई सदियों से कोई भी नया शोध करने का प्रयास नहीं किया और अपने महत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए वे एलोपैथ की तुलना में पिछड़ गए। जब डिग्री की बात होती है तो हमारे पास व्यापक संभावना होने के बावजूद भी हम लोगों ने उसे आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। मुझे याद है एक बार मेरा एक परिचित यही लखनऊ में थे, विधायक थे, तो मैंने अचानक फोन किया, ये लगभग आज से 12 वर्ष पहले की घटना है, तो उनकी आवाज कराहती हुई आवाज आई। मैंने कहा क्या हो गया है? कहा कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। मैंने कहा हो क्या गया है? कहा कि मैंने यहां सारा, यहां पे मैं डॉक्टरों को दिखाते दिखाते परेशान हो गया हूं, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूं, मुझे बड़ी परेशानी है। मैंने कहा अच्छा, मैं दिल्ली जा रहा हूं, आप दिल्ली आ जाइए, मैं दिल्ली में दिखाता हूं। मैं एक ट्रेन गोरखपुर से चलती थी, वैशाली एक्सप्रेस और गोरखपुर होते हुए दिल्ली के लिए जाती थी, तो उसी में मैं जा रहा था, तो एसी फर्स्ट में मेरे पास 2 बर्थ थे। मैंने उनके सहायक को कहा, मैंने कहा भी इनके भी रिजर्वेशन करवा दो और लखनऊ मैं इनको लेकर के आओ, मेरे साथ दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली में मैं इनकी व्यवस्था कराता हूं। वे मेरे साथ यहां पर लखनऊ रेलवे स्टेशन पे, उनको ट्रेन पे 4 लड़के उठा के ले आए, तो मैंने उनकी स्थिति देखी, मैंने कहा मैं कौन सा भला पाल लिया हूं, अब मैं यहां इनको लेके दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली में यहां तो 4 लोग हैं, रेलवे स्टेशन पे दिल्ली में मुझे परेशानी होगी अभी। खैर, मैंने उनको ट्रेन में नीचे की एक बर्थ दिलाई, लेटवाया, दिल्ली लेके गया। उन पे पूरे, उन्होंने बेल्ट बांधी हुई थी और 2 लोग उनको सहारा देकर किसी प्रकार से दिल्ली में उतारे। फिर मैं उन्हें अपने आवास पे लेके गया। मैंने एम्स के डायरेक्टर को फोन किया, डॉक्टर दबे वहां उस समय डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा भेज दीजिए। भेजने के बाद जब मैंने वहां दिल्ली एम्स लेके गया, तो एम्स में ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा इनको छोड़ दो, अपने हाथों से चलने दो। उन्होंने कहा नहीं, गिर जाऊंगा मैं। उन्होंने कहा नहीं, गिरने दो। और थोड़ा चले, उन्होंने बिठाया, उन्होंने कहा ये बेल्ट फेंक दो। एक्शन के लिए बेल्ट बांधी हुई थी पूरी पीछे से लेकर के, तो उन्होंने कहा मैं 6,000 रुपये में ले आऊं। कह रहे इसकी कोई कीमत नहीं, आपको ये विकलांग बना दी गई बेल्ट। उन्होंने केवल 2 टैबलेट दी, कहा ये केवल पेन के लिए मैं दे रहा हूं, उपचार के लिए नहीं, और इनको आप लेके जाइए। मुझे उन्होंने कहा योगी जी आप इनको एक 2 आसन बता दीजिए, जब ये पेन इनका समाप्त हो जाएगा इनको केवल भुजंग आसन करवाइए और इनको 1-2 अन्य कुछ क्रियाएं करवा दीजिए, ये ठीक हो जाएंगे, आप देखेंगे उसके बाद एकदम स्वस्थ हो गए। यानी बेल्ट फेंक दी, दवा सारी बंद कर दी, और हमने इसके महत्व को कभी समझने का प्रयास नहीं किया, कभी नहीं किया, और उसका परिणाम है कि हम लोग केवल दूसरों के द्वारा जो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, प्रचार किए जाते हैं, उसके पीछे भागते हैं। जितनी व्यापक संभावनाएं हैं और खास तौर पर आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी में, ये 142 योग एंड वेलनेस सेंटर जो खोले जा रहे हैं, यहां पर हमने योग प्रशिक्षक को 27,000 रुपये और उनके सहायक को 10,000 रुपये मासिक देने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है
और मैं चाहूंगा कि इसको व्यवसाय न बना करके एक मिशन मोड में वे लेकर के चले। इसमें ईमानदारी पूर्वक वे लोग कार्य करेंगे, इनके कार्यों की समीक्षा होगी, समीक्षा के अनुसार फिर उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने का कार्य भी होगा। और मैं बोलूंगा आयुष मिशन से जुड़े हुए लोगों को कि अभी से इसकी तैयारी करें। दूसरा, आयुर्वेद और होम्योपैथ के जिन चिकित्सा अधिकारियों की आज तैनाती हो रही है, इसको केवल एक सरकारी नौकरी मानकर के औपचारिकताएं बंद कर दें। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी जिम्मेदारी ये इस केंद्र और प्रदेश सरकार ने आप पर एक बहुत बड़ा विश्वास किया है। कई वर्षों के बाद 1100 चिकित्सक एक साथ आ रहे हैं, जिन्हें अभी हमारे जनप्रतिनिधिगण अलग अलग जनपदों में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लेकिन आप लोग अपनी सरकारी सेवा को करने के बाद 5 घंटे 6 घंटे की अपनी शासकीय सेवा को वहां पर देने के साथ ही आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों क्षेत्र में जो व्यापक संभावनाएं हैं, जो मैंने भी कहा कि पहले भी मैंने कहा, भारत की ऋषि परंपरा इस बात को कहती रही है कि कोई भी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबा आपकी।